पेशे खिदमत है नूरे ईमान इमाम बारगाह नाजिमाबाद कराची में आपके खुसूसी खिताब की एक झलक। हुजूर पाक फरमाते हैं मैंने तीन रस इल्म हासिल किए, एक आम लोगों के लिए, एक खास के लिए, एक सिर्फ मेरे। हमें एक शी आदम मिला, वो कहने लगा कि 40 पारे हैं। हमने कहा हमने तो 30 सुने हैं, 30 ही पढ़े हैं। वो कहने लगा हैं 10 और हैं। हमने कहा बताओ, लाख दो लाख ले दो, हमको ला के दो। कहने लगा वो कीमत से नहीं मिलते, वो मेहनत से नहीं मिलते, वो किस्मत से मिलते हैं। और जिनको वो मिल जाते हैं वो दाता साहब और ख्वाजा साहब बन जाते हैं। हमने कहा ये आलम साहब खाम खाम बोल जा रहे हैं कि 10 पारे तो है ही नहीं है। आखिर एक दिन हुआ कि अल्लाह ने तौफीक दी, हम जंगलों पे चले गए, लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह की दरबार पे आए। यहाँ इन्होंने अल्लाह ने सिखाया, और दिल का अल्लाह ने सिखाया, दिल से अल्लाह ने करना शुरू कर दिया। जब दिल से अल्लाह ने शुरू कर दिया तो बातनी मखलूकात सामने आ गई और वो 10 पारे भी सामने आ गए। पारे हैं, अब उसकी तशरीह भी जरूरी है, वो 10 पारे क्या है। ये जो कुरान आया ये कोई पारों की शक्ल में नहीं आया, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, इसी तरह 23 साल में जो ना ये पूरा हुआ। इसके हजरत उस्मान गनी ने हर रोज एक पढ़ने के लिए एक हिस्सा किया, इस पूरे के 30 हिस्से बना दिए। अब देखेंगे किसी जगह एक पारा खत्म नहीं हो रहा तो उसको पारा बना दिया गया, मजमून खत्म नहीं हुआ, पारा बना दिया गया, इसके 30 हिस्से बना दिए गए। अब वो 10 हिस्से कौन से हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कलक की नबूवत मिली थी, उसमें आधी उनके लिए, आधी उनके वलियों के लिए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रूह की वलायत और मिली, आधी उनके लिए, आधी उनके वलियों के लिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को सिरी की नबूवत मिली, आधी उनके वलियों के लिए, वो जो इल्म था आधा उनके लिए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को खफी के 4 मिले, 4ों के मिले, आधा उनके लिए, आधा उनके वलियों के लिए। फिर हजूर पाक को 5ों के सारा इलम हासिल हो गया, आधा उनके लिए, आधा उनके वलियों के लिए। और वो 10 हिस्से तो वो हो गए ना जो बातन में थे, वो सीना पे सीना चलते हैं ना। ये 30 पारे आम लोगों के लिए, इसके लिए सफेद कागज लाना पड़ता है, और वो 10 पारे खास लोगों के लिए, उनके लिए सफेद दिल लगाना पड़ता है। नाज़रीन, सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब असरार कादरी के सफ़ा नंबर 160 पर तहरीर है कि मुख्तलिफ दर्जात की 40 चाबियाँ हैं और 40 ही कुरान मजीद के पारे हैं, 30 हरूफ हैं, हर एक से 30 इल्म, 30 हिकमात और 30 ख़जाने हासिल होते हैं। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस राज से पर्दा उठाया, मगर इस तरह तशरीह नहीं बयान फरमाई जिस तरह मुर्शिद पाक ने अपने बयान में वाज़ेह फरमाया।